वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? वन टू और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। किसी एक होल पार्ट में दो या दो दो से अधिक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सेम पार्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू फ्रैक्शंस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट वन आउट ऑफ टू, दैट इज वन आउट ऑफ टू इज सेडेड। ओके, दो में से ये एक होल है, ठीक है। होल होल पार्ट में से इसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड वन आउट ऑफ टू, दैट इज वन आउट ऑफ टू आर सेडेड। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? सेडेड पार्ट का वन बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसमें क्या है, होल पार्ट मेरा कितना है वन टू थ्री फोर, एंड सेडेड कितना है टू, तो ये क्या हो जाएगा टू आउट ऑफ फोर इज सेडेड। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाफ ऑफ द पार्ट, फोर में से टू, ये क्या हो गया हाफ हो गया, दैट इज टू इज द हाफ ऑफ फोर। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज वन बाई टू के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज वन बाई, ये दोनों क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, टू बाई फोर और वन बाई टू। अब ये कैसे हुआ, टू बाई फोर को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, दैट इज टू वन जा टू, दैट इज डिवाइडेड बाई टू, टू डिवाइडेड बाई टू एंड फोर डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा क्या आया आंसर, दैट इज वन बाई टू। तो ये हमारा जो टू बाई फोर है, दैट इज टू बाई फोर, टू पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट आर सेडेड, एंड हियर वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट आर सेडेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों हमारा क्या है बराबर है, क्योंकि इसमें इसमें भी क्या है दो का एक, दैट इज हाफ, चार का दो वो भी क्या है हाफ है, तो हाफ ऑफ द पार्ट इज सेडेड हियर ऑल्सो एंड हाफ ऑफ द पार्ट आर सेडेड हियर ऑल्सो। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सो यहां पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स में से तीन पार्ट हमारा सेडेड है, थ्री आउट ऑफ सिक्स आर सेडेड। हमारा जो पहले था वन बाई टू और टू बाई फोर, वो भी इसके थ्री बाई सिक्स के इक्विवेलेंट हुआ है। वो कैसे, ये जो हमारा है एक दो तीन, तीन पार्ट सेडेड है आउट ऑफ सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में से तीन पार्ट सेडेड, तो वो क्या हो गया थ्री इज हाफ ऑफ सिक्स, हाफ ऑफ पार्ट सेड यहां पर भी है, फोर में से टू पार्ट यहां सेडेड है, तो ये भी हाफ पार्ट सेडेड है, और टू में से वन पार्ट सेडेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा वन बाय टू पार्ट सेडेड है, ठीक है। तो ये तो हम जान गए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। नाउ वी विल नो हाउ वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। से अगर हम लोग निकालना है वन बाय टू का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ऐसे वन बाय टू है, वन बाय टू के साथ टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू टू इज टू एंड टू इंटू टू इज फोर, तो इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर और निकालना है तो वन के साथ यहां पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्री मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो वन इंटू थ्री थ्री हो गया, टू इंटू थ्री सिक्स, ठीक है।
और फिर और निकालना है, फिर फोर मल्टीप्लाई करिए, मतलब कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ फोर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के साथ भी फोर मल्टीप्लाई करना है। वन इज टू टू फोर एस फोर एंड टू इंटू फोर एस एट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। वन बाई टू, टू बाई फोर, थ्री बाई सिक्स और फोर बाई एट हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, फॉर एग्जांपल थ्री अपॉन सिक्स है, इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है बाय डिवाइडिंग, तो वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे थ्री और सिक्स में हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जो थ्री और सिक्स दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो थ्री और सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री, तो थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री एंड सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि ऊपर न्यूमरेटर को टू से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को थ्री से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। सेम देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो थ्री था हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे थ्री और सिक्स का, तो थ्री से डिवाइड किए तो थ्री डिवाइडेड बाय थ्री इज वन एंड सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री इज टू, तो ये वन बाय टू जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है थ्री बाय सिक्स का, ठीक है। वी यूज योर डिविजन, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग समझ गए कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे है। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इच फॉर द फॉलोइंग फॉर द कलर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये तीन फिगर्स दिए गए, इन सबका कुछ पार्ट कलर्ड है, मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट शेडेड है, इसका हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कितना टोटल टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे इसका हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, एक पार्ट शेडेड है, पहले वन न्यूमरेटर में लिख देना, डिनोमिनेटर में लिखना है होल पार्ट में हमारा कितना टोटल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, वन बाई टेन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, मतलब वन बाई टेन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है कितना टोटल टू। तो इसके साथ टू मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई किए ऊपर भी और नीचे भी, ये हो जाएगा टू अपॉन ट्वेंटी एंड देन फिर हम लोग थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन थर्टी, दैट इज थ्री अपॉन थर्टी। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वन बाई टेन का टू बाई ट्वेंटी एंड थ्री बाई थर्टी। इक्विवेलेंट मतलब क्यों हो गया कि ये हमारा फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इसमें टोटल वन टू थ्री फोर, फोर पार्टेड पार्ट शेडेड है अपॉन टोटल पार्ट यहाँ पे कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो फोर अपॉन एट हमारा सेडेड है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, टोटल टू इक्विवेलेंट, पहले टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर इंटू टू इज एट, नीचे भी टू मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एट इंटू टू इज सिक्सटीन, फिर उसके बाद थ्री मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व अपॉन एट इंटू थ्री इज ट्वेंटी फोर, ओके। तो हमारा फोर बाई एट का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, एट अपॉन सिक्सटीन एंड ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड का करेंगे, टोटल यहाँ पे फोर पार्ट सेटेड है आउट ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, तो फोर अपॉन ट्वेल्व ये हमारा फ्रैक्शन है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, फोर इंटू टू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, टू नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर, फिर इसके बाद थ्री मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड देन थ्री मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो अपॉन थर्टी सिक्स। तो 4 बाई ट्वेल्व इसका फ्रैक्शन था और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 8 अपॉन 24 एंड 12 अपॉन 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लीकेशन। हमें इन सभी क्वेश्चन का, इन सभी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, टोटल
फोर एंड वो फर्स्ट फोर होना चाहिए, मतलब कि हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर थ्री से फिर फोर से और फिर फाइव से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव का हमें फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। पहले टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, टू इंटू टू फोर और फाइव इंटू टू इज टेन। फिर उसके बाद टू बाई फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री इज सिक्स और फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन। क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, पहले टू से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब क्या करेंगे हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू फोर जा एट अपॉन फाइव फोर जा ट्वेंटी, ठीक है। हमें वन टू थ्री थ्री मिला और एक फोर्थ निकालेंगे दैट इज टू बाई फाइव को हम लोग फिर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई किया टू फाइव जा टेन एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, फोर बाई टेन, सिक्स बाई फिफ्टीन, एट बाई ट्वेंटी एंड टेन बाई ट्वेंटी फाइव। तो सभी को एक साथ लिख लेते हैं, 2 by 5 ये हमारा क्वेश्चन था, which is equivalent to 4 by 10 equals to 6 by 15, 8 by 20 and 10 by 25। ये हमारा हो गया first four equivalent fraction of 2 by 5, ठीक है। इस तरह आप second question इसका करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है थ्री अपॉन सेवन, ठीक है। थ्री अपॉन सेवन को फिर हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई किए तो हमारा सिक्स अपॉन फोर्टीन आया, फिर उसके बाद थ्री बाई सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, थ्री थ्री जा नाइन एंड देन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन। फिर थ्री अपॉन सेवन लिखेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, थ्री फोर जा ट्वेल्व अपॉन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट। देन थ्री बाई सेवन इंटू फाइव मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड अपॉन थर्टी फाइव। वन टू थ्री फोर, फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरा फाइंड हो गया। क्वेश्चन हमारा थ्री बाई सेवन था, थ्री बाई सेवन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिक्स बाई फोर्टीन, नाइन बाई ट्वेंटी वन एंड ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी एट, फिफ्टीन अपॉन थर्टी फाइव। तो ये हमारा फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया ऑफ थ्री बाई सेवन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी इज वन अपॉन फोर, इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन एट, फिर वन बाई फोर को हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी थ्री अपॉन ट्वेल्व, देन वन अपॉन फोर को हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी फोर अपॉन सिक्सटीन, एंड देन वन बाई फोर को हम लोग फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया फाइव अपॉन ट्वेंटी। तो वन बाई फोर का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या आया, टू बाई एट, थ्री बाई ट्वेल्व, फोर बाई सिक्सटीन और फाइव बाई ट्वेंटी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर डी यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड यू विल राइट द आंसर इन द कमेंट बिलो दिस, ओके। ये वीडियो के नीचे कमेंट करना है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके फाइव बाई सिक्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ईच केस फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन। पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड कर रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब हम लोग इस केस में इस क्वेश्चन में डिवीजन करके फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे एट और सिक्सटीन है तो हम लोग को इसका कॉमन फैक्टर निकालना है एट और सिक्सटीन का, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ एट एंड सिक्सटीन, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है उन दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो एट और सिक्सटीन दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है।
ऐसा कोई नंबर बताना है जो 8 और 16 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसा टोटल दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग को कम से कम दो कॉमन फैक्टर यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड करता है 8 और 16 को? पहला तो 2 है, 2 से डिविजिबल है 8 भी और 16 भी। दूसरा है 4, 8 इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो एंड 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 8 और 16 का? 2 और 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 बाय 16 को हम लोग पहला स्टेटमेंट डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाय 2 इज 4 एंड 16 डिवाइड बाय 2 इज 8। ये 4 बाय 8 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। सेकेंड 8 बाय 16 लिखेंगे डिवाइड बाय 4, सेकेंड कॉमन फैक्टर जो हमारा है, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 4 इज 2 एंड 16 डिवाइड बाय 4 इज 4। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो जाएगा 4 बाय 8 एंड 2 बाय 4। तो 8 बाय 16 का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4 बाय 8 एंड 2 बाय 4, ठीक है। ये था हमारा यूजिंग डिविजन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर बी इज 6/18। तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 18 क्या क्या है, ठीक है। ऐसा नंबर जो 6 और 18 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। 6 और 18 इज डिविजिबल बाय 2, 6 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हम लोग को दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो दो कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब क्या करेंगे, 6/18 डिवाइड बाय 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड बाय 2 इज 3 अपॉन 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। तो 3/9 ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। और सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सेकेंड कॉमन फैक्टर दैट इज 3 से डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइड बाय 3 इज 2 एंड 18 डिवाइड बाय 3 इज 6। तो हमारा 3/9 और 2/6 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/18 का। 6/18 इक्वल्स टू 3/9 एंड 2/6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट डाउन बिलो, ओके, इन दिस वीडियो। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ठीक है। ये ब्लैंक दिए हुए हैं इन चार क्वेश्चंस में से। इन सभी ब्लैंक में हम लोग को ऐसा नंबर फिल करना है ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/9 इक्वल्स टू ब्लैंक अपॉन 18। तो ये ब्लैंक हमें क्या फिल करना है, तो हम लोग को यहाँ पे पहले मैच करना पड़ेगा। मतलब मैच ऐसा कि हम 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 हो रहा है, ठीक है। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा 18 हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई किए वो नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 क्या हो गया 4। तो ये ब्लैंक में हमारा 4 फिल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा यहाँ पे 7 है, 3/7 इक्वल्स टू ब्लैंक अपॉन 21। 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा 21 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सा हमारा क्या हो गया 9। तो हमारा ब्लैंक में क्या फिल हो गया 9। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 10 हो रहा है, कि यहाँ नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 × 5 क्या हो गया यहाँ पे 15। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 में मेरा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा 30 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ कि मेरा 12 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 12 होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे ब्लैंक में 2 फिल हो गया।
इसी तरह और भी क्वेश्चंस है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल कमेंट डाउन इन द वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो ये क्वेश्चन है, चेक इफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, हमें चेक करना है ये जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है हमें वो क्या इक्विवेलेंट है, पुट टिक मार्क फॉर इक्विवेलेंट, अगर सही है इक्विवेलेंट है तो टिक मार्क देना है, एंड क्रॉस फॉर नॉट इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट नहीं है फ्रैक्शन तो हमें क्रॉस मार्क देना है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं ये जो फ्रैक्शन जो हमारा दिया हुआ है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे ट्वेल्व है, सिक्स के साथ हम क्या मल्टीप्लाई किए कि मेरा ट्वेल्व हुआ, टू मल्टीप्लाई किए तो मेरा ट्वेल्व हुआ, तो यहाँ ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करके देखेंगे, टू इंटू टू हमारा फोर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, टू इंटू टू फोर और सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू टू मल्टीप्लाई हुआ, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आंसर आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टिक मार्क, थ्री बाई फिफ्टीन। ठीक है, थ्री के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा फिफ्टीन होगा, थ्री के साथ हम फाइव मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा फिफ्टीन होता है, तो हम लोग नीचे भी फाइव मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फाइव फाइव सर तो ट्वेंटी फाइव होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है नाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्रॉस साइन पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एट बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजन मैथड यूज हुआ है, एट में हम क्या डिवाइड करेंगे, दैट इज फोर डिवाइड करेंगे तो मेरा टू आएगा, तो यहाँ पर नीचे भी फोर डिवाइड करके देखते हैं तो ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर इक्वल्स टू थ्री होता है, सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये हम लोग क्या करेंगे, टिक मार्क देंगे। फोर अपॉन सेवन है और यहाँ पे फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सेवन है, ये तो कोई मतलब फोर के टेबल में फिफ्टीन तो आता नहीं है, तो ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेवन के टेबल में ट्वेंटी सेवन नहीं आता है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट था, दो फ्रैक्शन नॉट इक्विवेलेंट। सो इन दैट नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल अपलोड द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच।